दंडभी पुरस्कार। सम्राट कृष्णदेव राय से प्रजा का दुख नहीं देखा जाता था, वे सही अर्थों में प्रजापालक थे। एक बार वे कड़कती ठंड में अपने दरबारियों के साथ कहीं जा रहे थे। हर दरबारी राजा सहित ऊनी वस्त्रों से लदा था, फिर भी कांप रहा था। अचानक राजा कृष्णदेव राय की रास्ते में दृष्टि एक अधनंगे भिखारी पर पड़ी। राजपथ के एक ओर वो हाथ में भीख का कटोरा लिया ठंड से कांप रहा था। सम्राट ने रथ रुकवाकर अपना कीमती शॉल उतारकर स्वयं उतरकर भिखारी के शरीर पर डाल दिया। सम्राट की इस उदारता को देखकर वहां एकत्र भीड़ राजा की जय जयकार करने लगी। भीड़ के साथ साथ दरबारी भी जय जयकार करने लगे, परंतु तेनालीराम चुपचाप खड़ा रहा। सेनापति तो हमेशा ऐसे मौकों की ताक में रहा करता था। वो सम्राट के सामने तेनालीराम से बोला, क्यों तेनालीराम, तुम जय जयकार नहीं कर रहे? क्या तुम अन्नदाता की उदारता से प्रसन्न नहीं हो? सेनापति की बात सुनकर राजा ने भी तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम की चुप्पी राजा को खली, किंतु उस समय वो कुछ न बोले। वहां से वापस लौटते समय राजधानी तक सेनापति तेनालीराम के विरुद्ध राजा के कान भरता रहा। अगले दिन दरबार में राजा तेनालीराम को उसकी चुप्पी पर फटकारते हुए बोले, तुम जरूरत से ज्यादा घमंडी होते जा रहे हो, राजधर्म की भी अवहेलना करने लगे हो, बोलो कल चुप क्यों थे? तेनालीराम कुछ नहीं बोला तो सम्राट और क्रोधित हो गए। आदेश दिया, तेनालीराम मैं तुम्हें तुम्हारे इस अपराध पर एक वर्ष के लिए विजयनगर साम्राज्य छोड़ने का दंड देता हूं। तुम यहां से जाते समय केवल एक वस्तु साथ लेकर जा सकते हो, बोलो क्या लेकर जाना चाहते हो? सम्राट का यह आदेश सुनकर सेनापति पुरोहित और मंत्री सहित सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे। तेनालीराम तब भी चुप रहा तो राजा दोबारा बोले, बोलो तुम अपने साथ क्या ले जाना चाहते हो? अभी समय है, जल्द बता दो। इस पर तेनालीराम ने इधर उधर देखा और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता आपका दिया हुआ दंड भी मेरे लिए पुरस्कार है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वो शॉल दो जो कल आपने भिखारी को दी थी। सम्राट तेनालीराम की मांग सुनकर असमंजस में पड़ गए। प्रश्न ये था कि भिखारी से शॉल कैसे मंगा जाए, क्योंकि वो शॉल तेनालीराम के दंड से जुड़ा था। इसलिए उन्होंने भिखारी को शॉल सहित दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनकर राज्य के सैनिक भिखारी की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर बाद वे उस भिखारी को पकड़ लाए। सम्राट ने उससे कहा, हमने जो शॉल तुम्हें कल दिया था वो हमें वापस कर दो, बदले में हमसे उससे भी बढ़िया शॉल ले लो। राजा का आदेश सुन भिखारी बगले झांकने लगा, फिर डरता कांपता हाथ जोड़कर बोला, हुजूर उसे बेचकर तो मैंने रोटी खा ली। सम्राट तिलमिला उठे, किंतु अब भिखारी को क्या कह सकते थे, उस पर गुस्सा कैसे उतारते? उसे जाने को कह वो तेनालीराम से बोले, अब भी बता दो तुम्हें कल हमारा कार्य क्यों पसंद नहीं आया था? वरना तेनालीराम बीच में ही हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता मेरी चुप्पी का उत्तर तो आपको मिल ही चुका है, भिखारी को शॉल की नहीं रोटी की आवश्यकता थी, आपका वो कीमती शॉल उसके लिए रोटी से बढ़कर नहीं था। शॉल देते समय आपको टोकना उचित न था, इसलिए मैं चुप रहा। तेनालीराम की बात सुनकर सम्राट चुप रह गए। वो जान गए कि वास्तव में उस समय भिखारी को शॉल से ज्यादा रोटी की जरूरत थी। फिर उन्होंने क्रोध से सेनापति की ओर देखा, फिर तेनालीराम की ओर देखकर बोले, तुम इस बार भी जीत गए तेनालीराम,